कहा है मेरा रिजल्ट। राज, ओ मैं पास हो गया, ओ मैं थर्ड क्लास पास हो गया। सॉरी, थैंक यू। अजय, अबे मैं थर्ड क्लास पास हो गया। तेरा क्या हुआ? वही हमेशा की तरह। फर्स्ट क्लास पास। ओ मेरी जान, फर्स्ट क्लास पास हो गया भाई। अरे, इसे क्यों रोक दिया? माँ, जब से होश संभाला है, जिंदगी को इसी एक पहिए पर रेंगते हुए देखा है। लेकिन अब हमारी जिंदगी सिलाई मशीन के इस एक पहिए पर नहीं, बल्कि तेरे बेटे की मेहनत और कामयाबी के पहियों पर दौड़ेगी। मैं पास हो गया माँ, तेरा बेटा सारी क्लास में अव्वल आया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका सुपुत्र तृतीय श्रेणी में पास हो गया है, जिसे अंग्रेजी में थर्ड डिवीजन कहते हैं। नहीं बाबा जी, क्या? अरे शुक्र कीजिए कि नाक कटते कटते बच गई। अजी, ये बेशरम सामने बैठा है, कीजिए बात, कीजिए अपने सुपुत्र से। ले, बात कर बाप से। डैडी, हाँ डैडी, डैडी आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए डैडी। मामा जी ने बताया नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई। ये झूठ बोलता है जी। डैडी, आप तो जानते हैं मैं कितना पढ़ाकू लड़का हूँ। हाँ हाँ डैडी, मैं आ जाऊंगा, छुट्टियों में आ जाऊंगा। ओके डैड, टेक केयर, बाय बाय। लो हेलो बात। अरे दुष्ट, यदि एक क्षण और देर की होती तो मैं प्राण त्याग चुका होता। काश ऐसा होता। नमस्ते मामा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ। शाबाश, फर्स्ट क्लास, बेशरम, सीख कुछ। मामा जी, टोटल लॉस है। अच्छा, मेरी नौकरी का क्या हुआ जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था? अरे पक्की समझो बेटा, मेरा जो मित्र है ना कैनेडा में, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तुम्हें वहां पर सुपरवाइजर बना के भेज देते हैं। पासपोर्ट है? नहीं, पासपोर्ट तो नहीं। फिक्र मत करो मामा जी, विदाउट पासपोर्ट ही भेज देंगे। कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम ऐसा करो, तुम अपना बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड लेकर आ जाओ, मैं सारा प्रबंध कर दूं। ठीक है मामा जी। क्या हुआ? अरे ये क्या कबाड़ खाना बना रखा है तूने? इस संदूक को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? क्या चाहिए तुझे? माँ तो घर पे थी नहीं, तो मैंने सोचा कि। अरे भाई, उसके कपड़े तैयार थे, उसे देने गई थी। क्या चाहिए तुझे, बता तो सही। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट? लेकिन उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? राज के अंकल ने नौकरी के लिए कहा है, तो पासपोर्ट के लिए। सुबह चाहिए ना तुझे, निकाल दूंगी। माँ लेकिन अभी खुला है तो दे दे। अरे सुबह दे दूंगी, अभी तो नहीं जाना तुझे। जा जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। अब मुंह क्या देख रहा है, जा ना। सब सामान इधर उधर कर दिया। अजय शर्मा की जगह अजय मल्होत्रा। अजय चल, नाश्ता तैयार है, ये ले। माँ मुझे देर हो रही है, पहले मेरा सर्टिफिकेट निकाल दे। पहले तू नाश्ता तो कर ले, निकाल देती हूँ। क्या हुआ, मिला? नहीं मिला, उसे ही ढूंढ रही हूँ। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ था ये? जो चीज ट्रंक में रखी है उसे तू अलमारी में ढूंढ रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मिला? ढूंढ रही हूँ ना, सर पे क्यों आके खड़ा हो गया? यही तो रखा था, रात में पता नहीं कहाँ चला गया। तो रातों रात इसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये माँ बेटे क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं? मैं तो आज कुछ खाने वाली नहीं, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहागने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं बाजार जा रही हूँ पूजा का सामान लेने, मेरी नौकरानी आए तो चाबी दे देना। आशीर्वाद दे अपने बेटे को। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर। अरे खुशी तो बात है माँ, तेरे होनार बेटे के साथ तेरा ये नटखट बेटा भी पास हो गया। चल फटाफट फटाफट मुंह मीठा कर ले। नहीं बेटे रहने दे, मैं बाद में खा ले। ये मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी बस। मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है, और तुम तो जानती हो बहन, सुहागने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं खा लूंगी बेटा, बाद में खा लूंगी, तू थोड़ी सी तो खा ले। थोड़ी सी खा ले माँ, समझता क्यों नहीं? प्यार से खिला रहा है और तू इनकार कर रही है, खा ले। मैंने कहा ना, मेरा मन ठीक नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। लिखा क्या कर रहा है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। खामखा सिद्ध कर रहा है।
तू भी अजीब आदमी है, जब वो मना कर रही है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी। चल अब मूड मत खराब कर, चल बाहर चल के सेलिब्रेट करते। चल अब क्या हुआ? माँ मैं राज के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा, खाने पर मेरा इंतजार मत करना। अबे चलना यार। पागल हो गया तू, क्या क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि लहरों में टकराने की ताकत ज्यादा होती है या चट्टानों में बर्दाश्त की। क्या हुआ तुझे, प्रॉब्लम क्या है तेरी? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो फिर इतनी शराब पीने की वजह क्या है? आंसू पीने से अच्छा है आदमी शराब पी ले। अजय तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बोल क्या बात है? कुछ नहीं यार, सब ठीक है। यार भी कहता है और अपने गम में शरीक भी नहीं करता, तुझे हमारी दोस्ती कसम, बोल क्या बात है? बुरा मत मानना यार, कुछ बातें दोस्ती के दायरे के बाहर होती है। ठीक है, लेकिन तू मेरे दिल के दायरे के बाहर नहीं। चल घर चल। नहीं, एक लगा के दूंगा। चल अब चल राज, मुझे चल मेरे हाल में छोड़ दे, संभाल के। आहिस्ते आराम से, अजय अजय संभाल के आराम से। अच्छा तो पी के आया है वो? माँ पासों ने खुशी में पार्टी दी थी, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, इसे थोड़ी सी चढ़ गई है माँ, मगर प्लीज ये डांटना मत, गलती तो मेरी थी, खामखा में से ले गया वहां। गलती तेरी नहीं है बेटे, खोट तो मेरी परवरिश में रह गई, वरना मैं तो इसी भरम में जी रही थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसके कदम नहीं डगमगाएंगे। अजय अगर आंधिया मुझसे टकराई होती ना तो मैं नहीं डगमगाता, लेकिन क्या करूं, चोट दिल पर लगी थी और दर्द का सैलाब रगों में उमड़ रहा था, कोई सहारा तो चाहिए था ना मुझे। तो नशे का ये बांध उसे कब तक रोक पाएगा? उगल दे उस सैलाब को जो तेरे होंठों तक आकर लौट जाता है। रहने दे माँ, वरना शब्दों की तलवार रिश्तों की वो डोर काट देगी जिससे हम दोनों बंधे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है, होश में आ जाए, जानता है तो किससे बात कर रहा है? उस औरत से राज, जिसे देवी कहते हुए कभी मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का अचल 25 साल जिंदगी के हर मौसम में मेरी हिफाजत करता रहा, लेकिन आज आज वही अचल इस बेटे के सर से हटकर किसी गैर मर्द को छुपाने के लिए पर्दा बन गया। कौन है वो जिसने मेरी मां के गले से ममता का जेवर उतार कर अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी मां करवा चौथ का व्रत रखती है? कौन है वो जो मेरी मां के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पनप रहा है? बोल मां, बोल, जवाब दे। अगर तुझे एक औरत के चरित्र और मां की मर्यादा का खून ही करना था
तो फिर ये सफेद साड़ी पहनकर विधवा होने का नाटक किस लिए? बोल, कौन है वो जो तेरी कोख को डस रहा है? किसके पाप की निशानी हूं मैं? इस शराबी के पाप का नाम क्या है? बोल, क्या नाम है इस शराबी के पाप का? बोल, क्या नाम है के पाप? तमीज, बदबान, बेहरत, इतनी बदबान कहने के लिए कैसे की तूने? बताओ कैसे की हिम्मत? तू बीच में मत आ। मत। यहाँ जितनी घिनौनी बात कही। तेरी तो कैसी बातें कर रहा है? क्या कर रही है तू? होश में लिए तू तो होश में आ। मुझे तो शर्म आती है अपनी कोख पर, जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। लोग झोपड़े में रहते हैं ना, उसे भी बुरा नहीं कहते। अरे तू तो 9 महीने इस कोख में रहा है रे, तो फिर इसे गाली देने की हिम्मत कैसे की तूने? अपनी माँ के सीने पे शब्दों की बर्छिया चलाते वक्त क्या क्या एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया कि इसी छाती का दूध पी के बड़ा हुआ है तू? तू क्या सिखाएगा मुझे औरत का चरित्र और माँ का कर्तव्य? अरे मैंने तो एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी वनवास की तरह काट दी। तू जानना चाहता है ना कि मैं ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती हूँ, किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ? तो सुन, वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता हैं। आज तक मैंने तुझसे ये सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपा के रखी क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि ना तू अनाथ है ना मैं विधवा। लेकिन आज तेरे इल्जामों के बारूद से कसम की वो दीवार टूट गई। तेरे पिता एक डॉक्टर थे, वो जिस अस्पताल में काम करते थे वहां के मालिक राय बहादुर को लोग देवता की तरह पूछते थे।